एजाज खान सर, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जुने दी के 25वें जन्मदिन के मौके पर आज गुलबर्ग आए हैं, सोशल मीडिया के हमारे चैनल्स के जरिए आपका एक वीडियो वायरल किया गया था कुछ दिन पहले कि आज 22 दिसंबर को आप गुलबर्ग आने वाले हैं। गुलबर्ग के तमाम आपके जो फॉलोअर्स हैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आज आप गुलबर्ग आकर आपको कैसा लगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो ख्वाजा बंदे नवाज अस्सलाम वालेकुम और बहुत बड़ी शख्सियत है और उसका बर्थडे भी है भाई का, तो इसलिए मोहब्बत में बुलाए तो हम आए हुए हैं, मोहब्बत के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। और गुलबर्ग आना भी बहुत ज़रूरी था, लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इनसे मिलना भी ज़रूरी था, तो इसलिए हम आए। सर आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, साथ ही में एक एनजीओ चलाते हैं। मैं कौन बड़ा भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यार। नहीं सर, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, तो बेसब्री से आकर लोग आपका आने वाले हैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बस उनको यही मैसेज है कि मिलजुल के रहो, आपस में मोहब्बत करो, बाकी क्या है, इनकी बातों में नहीं आओ बीजेपी वालों के, वो देश प्रेमी हो, आपस में देश प्रेम करो, देश प्रेमी हो, है क्या नहीं, नफरत की लाठी फेंको, लालच का खंजर फेंको, बस मोहब्बत करो और आगे बढ़ो, देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे, हमारी काम भी बढ़ेगी आगे। आपको क्या कहना चाहेंगे, आप इनका जन्मदिन है आज? बस इनको कहूँगा कि अल्लाह इनको 100 साल का जीना चाहते हो भाई सड़ेली दुनिया में, कि कितना बोलो 60 बोलूँ गौस भाई 60-65 साल लंबी उम्र की दुआ इनकी, देखो डर गए, बोले भाई 60 में नहीं रुक जाओ भाई गौस भाई 100 साल की उम्र हो इनकी, है और अल्लाह इनको इज्जत दे जहां भी रहे दुनिया में हर जगह पे, और लोगों के काम आ सके, बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू सर।